हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीएमबीआर। जीएमबीआर का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इन सेकंड लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2, दैट इज लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। ये कवर करता है रूल 3 to 23। ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, टेस्टिंग ऑफिसर, अपलेट अथॉरिटी, फी, ये सारे पॉइंट वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में या लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ट्राई करना कि वो सारे क्वेश्चन के आप करेक्टली आंसर दे पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @ManuAcademy। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज रूल नंबर 3। यहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मेंशन किया गया है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी का फंक्शन क्या होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, व्हीकल का परमिट इशू करना, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्ट करना, चेक पोस्ट पे, या इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो वो सारे फंक्शंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिस हैं उनका एड्रेस के साथ मेंशन किया गया है उनको, बट ये आपको ध्यान नहीं रखना है इसलिए मैंने पूरे को मेंशन नहीं किया है। बट आप जीएमवीआर पढ़ोगे तो उसमें पूरे को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक चार्ट है, ये चार्ट आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज करिए ये आरटीओ कोड है, GJ01 दैट इज अहमदाबाद, GJ02 दैट इज मेहसाणा। तो ये आपको कोड ध्यान रखना है, 38 है टोटल, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप याद कर लेना इसको। दूसरी चीज और आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे अहमदाबाद सिटी है तो यहाँ पे GJ01 भी है, GJ27 भी है, 38 भी है, तो इस तरीके से और भी सिटी है जैसे सूरत है। तो अगर कोई सिटी एक से ज्यादा आरटीओ या आरटीओ कोर्स है वहाँ पे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सिटी में एक से ज्यादा है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हो। यहाँ पे मैप में भी, बट मैप उतना एक्यूरेट नहीं है, बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है, तो आप ट्राई करना कि वहीं से याद कर लो। नेवर्थलेस आगे बढ़ते हैं। 3A, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, समझना है इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। जो हमारा तालुका मामलेदार होता है, ये एक्ट कर सकता है एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर इसकी पोस्टिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में नहीं है। तो ध्यान से सुनना, सपोज करिए हम अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर के अलावा बहुत सारे तालुका होंगे अहमदाबाद में। तो अगर हेडक्वार्टर को छोड़ के किसी और तालुका में उसकी पोस्टिंग है, तो वहां पे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह एक्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट में है तो नहीं, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह एक्ट कर सकता है, और वो इशू कर सकता है लर्नर लाइसेंस, लाइसेंस इशू नहीं कर सकता है, वो लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है आपको, लर्निंग लाइसेंस इशू कर सकता है और उसकी उसका जो पोस्टिंग है वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में नहीं होना चाहिए। पॉइंट 4, टेस्टिंग ऑफिसर। तो टेस्टिंग ऑफिसर कौन होगा, जैसे कि एक लर्निंग लाइसेंस अगर ग्रांट करना है तो लर्निंग लाइसेंस के केस में टेस्टिंग ऑफिसर शुड बी अबव द रैंक ऑफ द असिस्टेंट इंस्पेक्टर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर से ऊपर का पोस्ट कौन सी होती है, इंस्पेक्टर की होती है। तो इंस्पेक्टर जो होगा लर्निंग लाइसेंस के केस में टेस्टिंग ऑफिसर जैसे एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो अबव द पोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द मोटर व्हीकल, यहाँ पे जो टेस्टिंग ऑफिसर होगा वो इंस्पेक्टर से ऊपर का होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी है, अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन करके देखोगे तो वहां पे मेंशन किया गया है ड्यूटीज में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो है वो एज अ टेस्टिंग ऑफिसर एक्ट कर सकता है लर्निंग लाइसेंस के केस में, और जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है वो टेस्टिंग ऑफिसर एक्ट कर सकता है इन द ड्राइविंग लाइसेंस के केस में, बट रूल्स में ऐसा नहीं है। तो नेवर्थलेस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप रूल्स के हिसाब से मेंशन करोगे, न कि जो वेबसाइट पे दिया गया है ड्यूटी जिसके हिसाब से, वो क्या होती है इंटर डिपार्टमेंटल होती है, तो वहां पे एलोकेशन हो सकता है। वहां पे तो ये भी है कि जो हमारा असिस्टेंट इंस्पेक्टर है अगर उसको ड्यूटी एलोकेट होती है तो जो इंस्पेक्टर है उसका काम भी वो कर सकता है, बट नेवर्थलेस यहाँ पे जो अभी चीजें होंगी आपको रूल के हिसाब से आंसर करना होगा। जो सब क्लॉज 2 है, यहाँ पे होमगार्ड से रिलेटेड बात की गई। होमगार्ड एक डिपार्टमेंट होता है, आप जानते होंगे, अगर होमगार्ड में कोई है और उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, उसके लिए उसको टेस्ट में अपियर होना है, तो वहां पे जो टेस्टिंग ऑफिसर होगा दैट कैन बी अ कमांडेंट ऑफ द होमगार्ड। आपने देखे होंगे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो हमारे डिफेंस सर्विसेज होते हैं उनके लिए भी, तो यहाँ पे भी एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर द टेस्ट ओनली, ठीक है। तो टेस्ट के लिए जो कमांडेंट ऑफ होमगार्ड होता है वो एज टेस्टिंग ऑफिसर एक्ट कर सकता है, बट वो जो लाइसेंस होगा वो ऑथराइज नहीं होगा ट्रांसपोर्ट व्हीकल लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ के बाकी किसी व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए तो वहां पे टेस्टिंग ऑफिसर कमांडेंट ऑफ होमगार्ड एक्ट हो सकता है, बट इसके लिए ऑलरेडी उसके पास स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। और ये जो कमांडेंट ऑफ होमगार्ड है ये एक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कमांडेंट
जनरल ऑफ होमगार्ड। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो क्लॉज 2A है यहाँ पे डेप्यूटी मामलेदार की बात की गई है, तो डेप्यूटी मामलेदार कैन बी अ टेस्टिंग ऑफिसर इन द केस ऑफ द लर्निंग लाइसेंस, ध्यान रखना है आपको। हम यहाँ पे सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं जो बात करता है ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस, तो ये लर्निंग लाइसेंस के केस में टेस्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं डेप्यूटी मामलेदार या फिर मामलेदार। जो हमारा सेक्शन 9 है जहाँ पे बात किया जाता है ग्रांट ऑफ द लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस, तो वहाँ पे ये टेस्टिंग ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। अभी जो डेप्यूटी मामलेदार है ये कब टेस्टिंग ऑफिसर हो सकता है, अगर इसकी पोस्टिंग ये वर्क कर रहा है नागरिक सुविधा केंद्र पे जो सेटअप किया गया है हमारे कलेक्टर द्वारा या फिर मामलेदार ऑफिस द्वारा, तो वहां पे ये टेस्टिंग ऑफिसर हो सकता है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा जो मामलेदार होता है अगर उसकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर में है तो वो टेस्टिंग ऑफिसर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, उस टाइम पे जो डिप्टी मामलेदार होगा वो एज अ टेस्टिंग ऑफिसर एक्ट करेगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो सब क्लास 3 है एवरी एप्लीकेशन, मतलब जितने भी एप्लीकेशन होंगे चाहे वो लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ऑथराइजेशन टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दैट शैल बी मेड ऑन द फॉर्म ऑफ PCAT। तो इसका एक्रोनिम्स आपसे मैच नहीं करेगा, ये सारे फॉर्म जो हैं वो शेड्यूल में मेंशन है। ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर द प्रीलिम टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट या फिर ग्रांट ऑफ द ऑथराइजेशन टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे किए जाएंगे। जो सब क्लास 4 है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो हमारा टेस्टिंग ऑफिसर है वो जिस टाइम बुलाएगा जिस प्लेस पे बुलाएगा वहां पे आपको अपियर होना पड़ेगा फॉर द टेस्ट ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज अपीलेट अथॉरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है तो आपको ध्यान से समझना है। अपीलेट अथॉरिटी ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हो उसके अगेंस्ट में। अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया हुआ है, सपोज आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया आपको लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया गया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया नहीं दिया गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो। अब यहाँ पे सेक्शन 16 की बात की गई है, सेक्शन 16 में बात किया गया रिवोकेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी। अगर इस केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक किया जाता है उस टाइम पे जो आपका एप्लीकेशन सुनेगा या जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे केस थोड़ा सा चेंज है, इसका जो सब रूल 2 है यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 19 का, पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिसक्वालीफाई फॉर द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक द ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे बहुत सारे केस हैं, आपने सेक्शन 19 पढ़े होंगे, जैसे कोई आदमी है हैबिचुअल ड्रंकेड है, ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, ड्रग्स लेता है, कोई कॉग्निजेंस ऑफेंस किया हुआ है या उसकी व्हीकल किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, कोई फ्रॉड केस किया है या फ्रॉड तरीके से लाइसेंस ले लिया है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, इस टाइप की चीजें हमारे सेक्शन 19 में मेंशन है। अगर कोई आदमी सेक्शन 19 में उसका लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाता है हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा, उस केस में जो अपीलेट अथॉरिटी होगी या जो इसके अंडर में आपकी अपील सुनी जाएगी दैट इज द कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि ये पुलिस की केस हो जाती है। जितनी चीजें मैंने आपको बताया है वो सारा किसके अंडर में आता है, पुलिस केस के अंदर आता है। तो यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होगा वो अपीलेट अथॉरिटी होगा। अगर ऐसी कोई पोस्ट नहीं है वहां पे तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या फिर जिसको DM कहते हो आप, वो अपीलेट अथॉरिटी होगा। तो ध्यान रखना है अगर सेक्शन 16 के अंदर पूछा जाता है तो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, अगर सेक्शन 19 के अंदर कुछ होता है, सेक्शन 19 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे अपीलेट अथॉरिटी हमारा कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इंक्वायरी करना इनका काम नहीं होता है, इंक्वायरी करना पुलिस का काम होता है, इसलिए अपीलेट अथॉरिटी भी क्या होती है, पुलिस होती है। अगर पुलिस नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगी। अब फी कितना पे करना है ये वेरिएबल होती है, वेबसाइट पे मेंशन है, आप एक बार खोल के पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपसे फी के बारे में नहीं पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो किसी भी स्पेशल प्रोविजन के थ्रू किसी भी आदमी को एग्जम्प्ट कर सकती है कि उसको फी नहीं पे करना है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे लर्निंग लाइसेंस का हो, चाहे कोई भी ऐसी फी उसको पे नहीं करना हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो उसको एग्जम्प्ट कर सकती है। कोई आदमी जो सर्विस करता है स्टेट गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट की व्हीकल ड्राइव करता है तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर है, काउंसलर है तो उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। तो ये सारी फीस यहाँ पे मेंशन है जिससे उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होगी वो कम्युनिकेट जो करती है दूसरे लाइसेंसिंग अथॉरिटी से किसी भी रीजन, बस यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे रिन्यू करना है किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है, उसको इन्फॉर्म करना है ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को,
या कुछ भी ऐसा है, इंडोर्समेंट करना है आपको, रिप्लेसमेंट करना है, फोटो का एड्रेस चेंज करना है, इस टाइप का कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो होगा फॉर्म डी डी एल कॉम पे। ठीक है, ऑलरेडी ये सारे जो फॉर्म्स हैं आपको मेंशन किए गए हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। अगर आप चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो शेड्यूल में, सारे फॉर्म जितने फॉर्म का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया हुआ है उन सारे फॉर्म का फॉर्मेट वहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो पॉइंट 9 है, पावर टू मेक ए इंक्वायरी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिए हैं तो जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका पावर है, अगर वो चाहे तो कोई क्वेरी कर सकती है। सपोज दैट कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, फेक हैं, उससे रिलेटेड उसको क्वेरी करना है तो कर सकती है, और अकॉर्डिंग टू डेट अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको डिसक्वालीफाई भी कर सकती है कि नहीं आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट 10 है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज फॉर द इशू टू द ड्राइविंग सर्टिफिकेट। पहले आप ये समझ लो कि अगर आपके पास ड्राइविंग सर्टिफिकेट है तो क्या होगा, ड्राइविंग सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा टू अपीयर इन द टेस्ट, आपको डायरेक्टली ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो ये सारे एसोसिएशन हैं जिनको ऑथराइज किया गया है, अगर इनका सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको ड्राइविंग टेस्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सील ऑन द फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ्स होते हैं उस पर जो सील लगाई जाती है, सील ऐसे होनी चाहिए कि हाफ आपके फोटोग्राफ पे होनी चाहिए, हाफ आउटसाइड होनी चाहिए। अब तो डिजिटल साइन आती है या फिर डिजिटल सील आती है। रिप्लेसमेंट ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का रिप्लेसमेंट भी करा सकते हो, अगर फोटोग्राफ खराब हो गया है, पहचान में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो। जो भी फी होगी आपको पे करना होगा, जो भी फॉर्म होगा वो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इश्यू टू द डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, फट गया, खराब हो गया, कुछ भी है, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं एक्ट में, तो आपको री इशू करवाना है तो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू हो सकता है। बट एक चीज़ है कि जो डुप्लीकेट होगा वहाँ पे स्टम्प्स होना चाहिए, स्टम्प होना चाहिए कि ये डुप्लीकेट है, रेड इंक से वहाँ पे स्टम्प लगा होना चाहिए कि ये डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट लाइसेंस किस डेट में इशू किया गया है ये भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। सपोज करिए कि आपको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू हो गया है और आपका जो लाइसेंस है वो मिल गया, ओरिजिनल लाइसेंस रिकवर हो गया है, तो आपका जो डुप्लीकेट लाइसेंस है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने भी इशू किया है उसको रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट 5 है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आप कहीं जा रहे हो, आगे जो आरटीओ है उसकी वेरिकेटिंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, वहां पे आपने डीएल भी अपना प्रोड्यूस किया और डीएल में देखा गया कि आपके डीएल में फोटो पहचान में नहीं आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस घिस गया है एक तरह से, जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है वो पहचान में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे जो भी चेक करने वाली अथॉरिटी है उसके पास ये पावर होता है कि वो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सीज कर देगा और आपको डुप्लीकेट इशू करने का ऑर्डर दे सकता है। बट नेवरदलेस अभी तो डीजी लॉकर आ गया है तो हम सभी डीजी लॉकर में लेके घूमते हैं, वहां पे घिसने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस, आप चाहो तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस है उसको चेंज करवा सकते हो। अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्म करना होगा आपकी जो ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके पास। मगर आपका एड्रेस उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है तो फिर जिसके ज्यूरिडिक्शन में आता है उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करोगे। मतलब समझ लेना, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले गए तो वहां पे ज्यूरिडिक्शन चेंज हो गया, तो अब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आप गए हो वहां के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्रोच करोगे टू चेंज द एड्रेस। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी दूसरे तालुका में चले गए, किसी दूसरे गांव में चले गए, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको आप इन्फॉर्म करोगे टू चेंज द एड्रेस, और जैसे ही आपको एप्लीकेशन मिलेगा आपका एड्रेस चेंज कर दिया जाएगा। जो रूल नंबर 15 है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइवर होता है उसकी ड्यूटीज मेंशन की गई है, बट एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेवरदलेस अगर आप ओवरव्यू रखते हो तो दैट इज गुड, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एज सच किसी के पास भी आइडिया नहीं है और कैसे कह सकते हैं हम कि बहुत स्पेसिफिक या बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो एक ओवरव्यू आपके माइंड में होना चाहिए इनके ड्यूटीज से रिलेटेड भी। तो एज सच बहुत ज्यादा टफ नहीं, एक जनरल ओपिनियन है आपको ध्यान में रखना है बस। पहली ड्यूटी की अपने सीट पे किसी को बिठा के लेके नहीं जाना है, एक क्लियर विजन होना चाहिए ताकि व्हीकल को कंट्रोल रख सकें, ऐसा नहीं कि ग्लास के सामने कोई किसी को लटका के लेके जा रहे हैं, सामान बांध दिया कुछ भी लाइक दैट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब भी व्हीकल में सफिशियंट फ्यूल हो तभी चलाना है, बीच में व्हीकल में फ्यूल खत्म होने की वजह से व्हीकल बंद नहीं होनी चाहिए, टाल मटोल नहीं करना है, जो भी पैसेंजर का डेस्टिनेशन है टाइमली उनको पहुंचाना है। डिफेक्टिव व्हीकल ड्राइव नहीं करना है, व्हीकल मैकेनिकली फिट होनी चाहिए ये भी चेक करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों से प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, मतलब ह्यूमली बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं किसी से रूडली बिहेव किया, जो भी सामान लोडेड है जो भी लगेज है उसका टेक केयर करना है। तो ये सारी ड्यूटीज होती हैं, इसके अलावा भी ड्यूटीज है बट नेवरदलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पहले भी मैंने आपको बताया, आपको बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है।
रूल नंबर 16 है, यहाँ पे भी ड्यूटीज की बात की गई है। अब पब्लिक सर्विस जो व्हीकल हैं उनके ड्यूटीज की बात की गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि आपके व्हीकल में कोई स्मोक नहीं करे, आप प्रॉपर डेज में हो, व्हीकल को क्लीन करना, अगर आपकी व्हीकल फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो जो पैसेंजर हैं उनके लिए अल्टरनेटिव व्हीकल अरेंज करना, अगर कोई पैसेंजर को चाहिए कि नहीं मुझे तो रिफंड चाहिए तो उसका रिफंड अरेंज करना। सपोज जो फिलिंग स्टेशन है जहाँ पे व्हीकल आपकी खड़ी है वहाँ पे कोई पैसेंजर स्मोक नहीं करे, लाइक डेक, ये सारी ड्यूटीज होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे फिर से कुछ एडिशनल ड्यूटीज की बात की गई है। एडिशनल का मतलब जो पहले हमने डिस्कस किया है वो सारी ड्यूटी तो सारे ड्राइवर्स की हैं, यहाँ पे जो व्हीकल्स की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ एडिशनल ड्यूटीज दी गई हैं। ऐसा नहीं कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर की ड्यूटी है वो आपको परफॉर्म नहीं करनी है, वो भी करनी है, उसके अलावा ये एडिशनल ड्यूटीज हैं। तो मोटर कैब, मैक्सी कैब, ऑलरेडी आप जानते हो मैक्सी कैब की कैपेसिटी कितनी होती है, 6 पैसेंजर से 12 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, और मोटर कैब की मोर देन द 6 पैसेंजर। तो अगर आप ये ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ध्यान रखना है, बिना मतलब के कहीं पे आपके व्हीकल को स्टैंड नहीं करना है, खड़ा नहीं करना है, जो आपकी व्हीकल है उसको स्टैंड पे ही खड़ा करना है, किसी तरीके का टॉल मटोल नहीं करना है। अगर आपकी व्हीकल कोई हायर करना चाहता है आपको ध्यान रखना है कि आपकी व्हीकल किसी इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करे, जैसे यहाँ पे मेंशन है, तो कोई इनलीगल एक्टिविटीज किसी भी टाइप की इनलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करे। जो भी आपकी सिटिंग कैपेसिटी है आपको ध्यान रखना है उससे ज़्यादा आपकी व्हीकल कैरी ना करे। विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आपकी व्हीकल वो हायर ना करे, कोई हायर करने आता है तो आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज हो तभी आप उसको मना करो, अदरवाइज आप उसको मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो रूल 18 है, ग्रांट ऑफ अथोराइजेशन टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जिसके पास ये अथोराइजेशन नहीं होगा कि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना अलाउ नहीं है। किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा अथोराइजेशन नहीं होगा, जैसे कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मैक्सी कैब भी चला सकता है, मोटर कैब भी चला सकता है, लग्जरी बस भी चला सकता है, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, उसको एक ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का अथोराइजेशन दिया जाएगा। जब तक जो हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तब तक आपको ऐसा अथोराइजेशन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या क्या होना पड़ेगा, आपके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए हमारे एक्ट एंड रूल का, आपके पास मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, आपके पास मिनिमम एजुकेशन जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो सब रूल 4 है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप अथोराइजेशन चाहते हो कि आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना है तो आपको फॉर्म TVA पे अप्लाई करना होगा। ये सारे फॉर्म आपके शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए बनाया गया है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या यहाँ पे अटैच करना है, पहला मोरल सर्टिफिकेट। ये मोरल सर्टिफिकेट कौन देगा, पुलिस स्टेशन या कोई गजटेड ऑफिसर, सरपंच, ग्राम पंचायत, प्रेसिडेंट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, काउंसलर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे लोग मोरल सर्टिफिकेट आपको इशू कर सकते हैं, भले इनके पास खुद का कुछ मोरल सर्टिफिकेट, मोरल बैकग्राउंड नहीं हो, नेवरदलेस यही हमारा देश है। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ एजुकेशन होना चाहिए आपके पास, जो भी फी होगी वो आपको देना है, जो भी टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब की गई फी होगी, दैट इज ड्राइविंग सर्टिफिकेट। ऑलरेडी आपको पता है ड्राइविंग सर्टिफिकेट आपका ड्राइविंग स्कूल इशू करता है, या फिर हमने इससे पहले देखा हुआ है कि जो मोटर एसोसिएशन होते हैं वो भी इशू करते हैं, तो आपके पास जो भी है आप प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको ऑथराइज कर देगी, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन की गई हैं, कोई भी आदमी अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत में मैक्सी कैब या फिर मोटर कैब ड्राइव नहीं कर सकता है, इवन दो उसके पास अथॉराइजेशन है, विदाउट द अथॉरिटी सेटिस्फेक्शन कि आपके पास वहाँ का पूरा एडुकेट नॉलेज है, जो भी उसकी टोपोग्राफी है उसको आप जानते हो, थोड़ी बड़ी शहर है इसलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है, तो इसके लिए आपको सेपरेट अथॉराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बैच ऑफ द ड्राइवर इन द पब्लिक सर्विस व्हीकल, जो बैच लगाते हैं ड्राइवर आपने देखे भी होंगे, तो बैच जो होता है लेफ्ट चेस्ट पे लगा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये आपके व्हीकल का, मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल का ड्राइवर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगर किसी ड्राइवर का जो ट्रांसपोर्ट अथोराइजेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है, तो उसको ये बैच लगाने की जरूरत नहीं है। जो रूल नंबर 20 है, यहाँ पे मैनर ऑफ अपील की बात की गई है। तो आपको कोई भी ग्रीवेंसेज हो, आपको लगता है कि नहीं किसी भी अननेसेसरली ग्राउंड पे आपको लाइसेंस ही नहीं इशू किया गया, आपके परमिट कैंसिल कर दी गई, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, कुछ भी है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपलेट अथॉरिटी के पास अप्लीकेशन दे सकते हो।
जो भी ऑर्डर की कॉपी है, एक सर्टिफाइड कॉपी आपको वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके साथ एप्लीकेशन दे सकते हो। जो भी पर्सन है, जो भी अप्लाई कर रहा है, उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, या फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो भी ऑर्डर उसने दिया है उससे रिलेटेड जो भी कॉपीज हैं, आप इंटाइटल्ड हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे। हाँ, डजंट मैटर, उसकी अगर कोई फी है तो आपको पे करना होगा, जो भी हमारी अपलेट अथॉरिटी होगी उसके पास। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, तो वो भी आपको इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट जो रूल 22 है, एग्जेम्पशन ऑफ द ड्राइवर ऑफ रोड रोलर। तो जो भी प्रोविजन हमने चैप्टर 2 में पढ़े हैं, ये सारे प्रोविजन से जो रोड रोलर का ड्राइवर है उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो काफी स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना है, बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, किसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको लिखना है रोड रोलर के ड्राइवर को। जो 23 रूल है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट रजिस्टर ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। जितने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, जितने लोगों को डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है, इन सबका एक रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करना होता है। जो भी हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो रजिस्टर मेंटेन करेगी और ये रिपोर्ट करेगी हमारे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट को या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को। जिस भी मंथ का होगा उस मंथ के खत्म होने के 10 डेज के अंदर ये चीजें रिपोर्ट करके हमारे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट को देना होता है। आपने मोटर व्हीकल एक्ट में देखा भी था कि समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट से इस टाइप की डाटा मांगती है, तो वहां भी रिक्वायर होती है, तो इसलिए एक रजिस्टर्ड को मेंटेन किया जाता है। जो सब रूल 2 है, यहाँ पे जो हमारे कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इनको जो भी रिपोर्ट मिली है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, ये सारी रिपोर्ट क्वार्टरली, यहाँ पे उनको मंथली वो रिपोर्ट कर रहे थे, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी वो मंथली रिपोर्ट करती है कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट को, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट क्वार्टरली रिपोर्ट करते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को या फिर होम डिपार्टमेंट को। क्वार्टरली मतलब आफ्टर 3 मंथ, तो 3 महीने खत्म हो गए हैं, उसके बाद 15 दिन के अंदर ये सारी रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेजी जाती है। अगर वहां से जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। अब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि जो आपने रूल 1 पढ़े हैं डिफिनीशन वाले, उसमें अगर कोई चेंजेस करना है, कोई एडिशन करना है, कोई सबसेक्शन करना है, तो ये कर सकते हैं। दिस इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज के हमारे पर्टिकुलर लेक्चर पे बेस्ड हैं, आप उम्मीद करता हूँ इन सबके आंसर दे पाओगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।